अगर आप मार्केट में एक बजट फ्रेंडली 125 सीसी की मोटरसाइकिल को चेकआउट कर रहे हैं जो कि फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी खासी देती हो देन हीरो मोटोकोप की सुपर स्प्लेंडर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है एंड इसी मोटरसाइकिल का आज हम रिव्यू करने वाले हैं जानेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं क्या इसके स्पेसिफिकेशनस हैं राइड क्वालिटी कैसी है एंड ए लोट मोर सो हे द वेलकम बैक टू द चैनल माई मस्जिद एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोटरसाइकिल के अराउंड से जिसमें पहले फीचर्स की बात करेंगे उसके बाद में स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे एंड फिर इसको टेस्ट साइड पर लेकर के चलेंगे एंड इसकी जो राइड क्वालिटी है उसको चेकआउट करेंगे तो शुरुआत करते हैं इसके स्पीडोमीटर से जो कि आपको डी जी यूनिट मिलने वाली है इसमें जो स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग मिलेगा एंड ये जो इसकी डिजिटल स्क्रीन है इसमें आपको सबसे पहले टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बाद में यहाँ पर जो फ्यूल लेवल इंडिकेशन है वो शो करेगा ये ऑडोमीटर हो गया इसमें आपको एक ट्रिप मिल जाएगी एंड उसके बाद में मिलता है आपको रियल टाइम एवरेज फ्यूल एफिशेंसी इंडिकेटर तो ये आपका जो माइलेज है रियल टाइम का वो शोकेस करने वाला है तो जब बाइक चलेगी तब यहाँ पर जो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी होगी किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से वो शो करेगा जो कि आपको इस मोटरसाइकिल का जो बेस्ट माइलेज है वो अचीव करने में काफ़ी हेल्प करेगा अब बात करी जाए टेल्टे लाइट्स की तो इसमें जो टेल्टे लाइट्स हैं सबसे पहले तो आपको इसमें जो नीडल स्वाइप वाला फंक्शन है वो मिलता है जो कि काफ़ी कूल लगता है बात करी जाए टेल्टे लाइट्स की तो ये आपकी इंजन मेल फंक्शन की लाइट है यहाँ पर आई की लाइट ग्लो करेगी ये न्यूट्रल के लिए है यहाँ पर आपका जो साइड स्टैंड इंडिकेटर है वो आएगा ऊपर की साइड आपको लो फ्यूल लेवल इंडिकेटर मिलेगा ये हाई बीम का इंडिकेटर है एंड यहाँ पर जो लेफ़्ट एंड राइट इंडिकेटर है वो शो करने वाला है तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो वेल well इक्विप्ड है एंड इसमें ज़रूरत की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है लेफ्ट साइड में आपको एक यू मोबाइल चार्जर मिल जाता है जो कि आपका जो फ़ोन है उसको ऑन द वे चार्ज करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा स्विच गेयर में आपको जो पासिंग फीचर है वो मिल जाता है जो कि हाईवे सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है बात करी जाए इसकी फ्यूल एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी की तो इसमें आपको आई थ्री एस टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जो कि जब आप सिग्नल पर बाइक को खड़ा करेंगे तब आपका जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा सेव करने वाली है एंड ये कहीं ना कहीं जो नॉइज़ पोल्यूशन है एंड जो एयर पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करता है बिकॉज आइडलिंग करते टाइम आप अननेसेसरीली जो फ्यूल है उसको वेस्ट करते हैं एंड थैंक्स टू आई थ्री एस टेक्नोलॉजी वो आपका नहीं होने वाला है तो ये काम क्या करता है उसकी एक ब्रीफिंग दूँ तो जैसे ही आप किसी भी रेड लाइट पर या कहीं पर भी अपनी बाइक को पार्क करते हैं जैसे ही आप जो गियर है उसको न्यूट्रल में करेंगे तो जो आई थ्री एस टेक्नोलॉजी है वो इस चीज़ को सेंस करके जो इंजन है उसको कट ऑफ कर देगी उसके बाद में जब भी आपको चलना होगा तो ऑल यू हैव टू डू इज़ आपका जो क्लच है उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो आई थ्री एस टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड आप वापस से ऑन द गो अपनी बाइक को चला सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो वो आपको इसमें हंड्रेड एंड mm एट्टी मिली की मिलने वाली है जो कि मोर देन इनफ है इंडियन इन्वायरमेंट एंड रोड कंडीशन के हिसाब से एंड ये सेगमेंट में सबसे बेस्ट है तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है उसके बाद में इसमें आपको हीरो की एक्सेंस टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि मेक श्योर करती है कि आपको हर वेदर कंडीशन में हर सर्कमस्टांसिस पर इंजन की जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, वो आपको प्रोवाइड कराई जा सके एंड आपकी जो राइड है उसको जितना इजी करा जा सके जितना कंफर्टेबल एंड पॉकेट फ्रेंडली करा जा सके उतना करने की कोशिश करती है बात करी जाए सेफ्टी की तो उसके लिए भी इसमें बढ़िया फीचर्स दे रखे हैं सबसे पहला फीचर जो कि सेफ्टी के लिए है वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच तो मतलब अगर आपकी बाइक का साइड स्टैंड लगा रहेगा और आप बाइक को चलाने की कोशिश करेंगे तो जो इंजन है वो बंद हो जाएगा जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है प्लस में इसमें आपको बैंकंगल सेंसर मिलता है मतलब अगर आपकी मोटरसाइकिल गिर जाती है तो जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा दैट इज अगेन ए ग्रेट सेफ्टी फीचर टू हैव कंफर्ट की बात करी जाए तो सबसे पहली चीज इसकी सस्पेंशन इसमें आपको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मिलती है रियर जो आपकी सस्पेंशन है वो फाइव स्टेप एडजस्टेबल है बात करी जाए इसकी सीट की तो इसकी सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है काफी ज्यादा वाइड राइडर के लिए है एंड सेम गोज फॉर द पिलियन तो राइडर एंड पिलियन की जो सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है इस बाइक की प्लस में पिलियन को ग्राफी करने के लिए एक एक्सटर्डी ग्रैब रेल भी अवेलेबल है इंजन इसमें आपको 124.7 सीसी का मिलने वाला है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक टू वाल्व प्रोड्यूस करता है 10.7 बीएचपी एट 7500 आरपीएम एंड 10.6 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एट 6000 आरपीएम एंड इस इंजन के साथ आपको जो ट्रांसमिशन मिलता है वो है फाइव स्पीड कांस्टेंट मेश जिसकी जो गेयर शिफ्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है एंड जो फिफ्थ गेयर है वो आपको हाईवे राइडिंग में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है रियर ब्रेक आपको इसमें हंड्रेड एंड थर्टी एम एम का मिलने वाला है एंड ओवरऑल जो टेल सेक्शन की लुक है मोटरसाइकिल की वो कुछ इस तरीके की है एंड अभी साइड से भी दिखा ही देता हूँ तो साइड से मोटरसाइकिल कुछ इस तरीके की दिखती है ये जो स्टिकरिंग जॉब है ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है इसमें आपको किक लीवर एंड मैन स्टैंड स्टैंडर्ड मिलते हैं बैटरी आपको इसमें मेंटेनेंस फ्री मिलने वाली है बात करी जाए फ्रंट ब्रेक्स की तो इस पर्टिकुलर मॉडल में फ्रंट ब्रेक्स 130 एंड mm थर्टी के ड्रम ब्रेक्स हैं इसमें आपको डिस्क का भी ऑप्शन मिलता है जो कि टू फोर्टी एम का आएगा तो एक्स्ट्रा ब्रेकिंग के लिए आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं साथ ही साथ जो फ्रंट लुक्स है मोटरसाइकिल की वो भी दिखा देता हूँ तो फ्रंट से बाइक कुछ ऐसी दिखती है ये जो हेडलाइट के ऊपर क्रोम स्ट्राइप लगाई हुई है इससे जो प्रीमियम नेस है वो ओवरऑल ऐड होती है एंड ये हो गए मेरे इस मोटरसाइकिल के जो ओवरऑल अराउंड की बात करनी थी वो अब इसको टेस्ट साइड पर लेकर के चलते हैं एंड लेट्स सी कि ये राइड करने में कैसी है और लाइट सो श्यवर सबसे पहले मोटरसाइकिल को सिटी में राइड करके देखते हैं लेट्स ही कैसी परफॉर्म करती है उसके बाद में बैड पैचेस के ऊपर इसकी राइड क्वालिटी को चेक करेंगे एंड लास्ट में लेकर के चलेंगे इसको हाईवे पर एंड इसकी जो हाईवे परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे तो सिटी की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो सिटी में आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो कम्फर्ट है मोटरसाइकिल की उसका सबसे बढ़िया होना सबसे ज़्यादा जरूरी है एंड उसके लिए इस मोटरसाइकिल की सीट के बारे में सस्पेंशन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ बट ओवरऑल जो आपकी सिटिंग पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहने वाली है जो स्टांस हैं वो अपराइट हैं हैंडल बार की पोजिशन है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड स्टोक फॉर्म में भी ये काफ़ी रिलैक्सड पोजिशन पर आपको सिट करवाती है एंड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग कंसिडरिंग कि आपको डे टू डे जो टास्क करने रहते हैं उसके लिए आपको सिटी में ही सबसे ज़्यादा बाइक को चलाना पड़ेगा एंड विद दैट बींग सेट इसके क्लच की बात करी जाए तो वो अल्ट्रा लाइट बोलूंगा मैं हीरो के जितने भी नए इंजन में जो क्लचेज काफी ज़्यादा लाइट है तो सबसे पहले इस साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उधर ही चलते हैं एंड सी कि इसकी जो बैड पर परफॉर्मेंस पर है वो कैसी है एंड हियर वी आर बैड पैच क्या नॉन एग्जिस्टेंट रोड पर ही आ गए एंड यहाँ पर जो इसकी राइड क्वालिटी है वो शो होती है तो अभी ना के बराबर क्या मतलब रास्ता ही नहीं है एंड उसके बावजूद भी इसकी जो सस्पेंशन है वो जो शौक से उनको काफ़ी अच्छे से ऑब्जॉर्व कर रही है एंड हीरो के लिए राइड क्वालिटी के मामले में कभी कम्प्लेन नहीं रहती है बिकॉज़ इंडियन ब्रांड है एंड इंडियन इन्वामेंट का इनको पता ही है तो ये उसी हिसाब से जो अपनी बाइक से उनको ट्यून करते हैं एंड विद दैट सेट अब चलते हैं सीधा हाईवे पर एंड लेट्स सी कि हाईवे पर यह मोटरसाइकिल कैसा परफॉर्म करेगी एंड हाईवे पर आते ही जो फर्स्ट थिंग आप नोटिस करेंगे वो होने वाला है इसका फिफ्थ गियर फिफ्थ गयर की वजह से ये मोटरसाइकिल हाईवे पर आप देख सकते हैं कि 60 प्लस की स्पीड एकदम कंफर्टेबली अचीव कर रही है इंजन है वो बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं है एंड रियल टाइम जो फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर है अगर आप उसमें अभी देख सकते हैं तो जो माइलेज फिगर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं इस स्पीड के हिसाब से कितने बढ़िया आ रहे हैं एंड और ज्यादा फ्यूल एफिशियंसी अगर आपको अचीव करनी है तो उसके लिए इसका जो स्पीडोमीटर है उसमें एक सेक्शन अलग से मार्कड आउट कर रखा है उस रेंज में अगर आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ये लिख भी रखा है यहाँ पर इकोनॉमी तो आपको सबसे मैक्सिमम जो माइलेज है इस मोटरसाइकिल की वो मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स में है उसके बाद में बात करी जाए इसकी पावर की तो हाईवे पर किसी भी एंगल से आपको ये बाइक ऐसे नहीं लगने वाली है कि पावरफुल नहीं है मोर देन इराफ इसमें पावर है इसके सेगमेंट के हिसाब से एंड दैट इज़ द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट इसकी प्राइजिंग के अकॉर्डिंग इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है इसके ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं मिरर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है गेयर बॉक्स की जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी स्मूद मेरे को लगी एंड ओवरऑल इस मोटरसाइकिल को चलाना एक हैसल फ्री टास्क है एंड विद दैट बींग सेट अब चलते हैं सीधा वर्डिक की तरफ लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की तो इसकी जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है सेवेंटी एट थाउज़ेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट रुपीज़ से एंड गोज़ ऑल द वेटिल एटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन्टी एट रुपीज़ एंड वो जो वेरिएंट्स हैं उनका जो स्पेसिफिक प्राइस ब्रेकडाउन है वो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड ये जो प्राइजिंग है ये अग शोरूम झुंझुनू राजस्थान की है आपके एरिया में प्राइज है वो वेरी कर सकती है

सो so, वेल well, इसका जो इंजन है वो पावरफुल एंड फ्यूल एफिशिएंट है इसकी जो एक्सेंस टेक्नोलॉजी है वो जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको अचीव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है ओवरऑल देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल भी बहुत है एंड जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है एंड ओवरऑल बात करी जाए इस सेगमेंट की तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी यही मोटरसाइकिल निकल करके आती है एंड अगर ये सारे बॉक्सेस टिक होने के बाद में आपको लगता है कि आपको इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए देन इसमें आपको हीरो का ट्रस्ट भी मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जा के आप इस बाइक को बुक कर सकते हैं या फिर आपको टेस्ट राइड बुक करनी है तो वो आप कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी हीरो डीलरशिप पर जा के इस मोटरसाइकिल को चेकआउट कर सकते हैं आपकी अगर ये सारी नीड्स फुलफिल करती है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं एंड विद दैट बिंग सेट इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था गाइज आई होप इस वीडियो से इस मोटरसाइकिल के बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे अगर ऐसा है देन डू गिव दिस वीडियो ए थम्स अप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स हैं वो कमेंट करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय